अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 11th क्लास की फेडरल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स। ये उसके बुक के एमसीक्यूज हैं। नाउ द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड। तो एंजाइम्स के अंदर जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, जहाँ पर रिएक्शन होता है, तो वो एक साइट होती है, जो एक डिम्पल होता है, ग्रूव होता है, जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। सारे के सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो यहाँ पर हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक और साइट है जो कि फीडबैक इनहिबिशन के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इसके अलावा कोई साइट होती है। फॉर एग्जांपल ये साइट है, तो दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कोएंजाइम एक्टिविटी। तो कोएंजाइम जो है ये बेसिकली वो होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं। और कोएंजाइम की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, तब हम इसे कोएंजाइम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है NAD, तो NAD का हमें पता है कि ये कोएंजाइम के तौर पर वर्क करता है। दूसरा कैल्शियम दिया हुआ है और आगे बोथ ANB भी दिया हुआ है। तो कैल्शियम, जिन लोगों को ये पता होगा कि कैल्शियम जो है वो एंजाइम्स की हेल्प करता है, वो ANB लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इनऑर्गेनिक है, जबकि कोएंजाइम ये कोफैक्टर हो सकता है, लेकिन ये कोएंजाइम नहीं है। कोएंजाइम के लिए इसका लाजिम है कि ये ऑर्गेनिक हो, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स दे रिएक्ट विद एंजाइम्स एट। तो एक होते हैं कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, जो उसी साइट पर आकर बैठते हैं जहाँ पर रिएक्शन होना होता है, तो वो एक्टिव साइट होती है। तो ये कंपैरेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एक्टिव साइट पर आकर बैठते हैं, जबकि जो नॉन कंपैरेटिव होते हैं वो किसी से मुकाबला नहीं करते, तो वो एक ऐसी साइट पर जाकर बैठते हैं जो कि अदर देन दिस साइट होती है, तो वो एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। सो एलोस्टेरिक साइट इज़ द राइट आंसर। नाउ व्हिच ग्राफ शोज द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, कब तक, जब तक एक लिमिट नहीं आ जाती। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद एंजाइम सारे के सारे सैचुरेट हो जाएंगे और फर्दर सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई मैंने तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये एक्टिविटी बहुत नीचे आ गई। तो ऐसा नहीं होता, इतना ड्रास्टिक फॉल जो है वो नहीं आता। टेम्परेचर चेंज करने से हाँ ये आ सकता है, pH चेंज करने से आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से नहीं होता। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इस तरफ सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे जैसे सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो गया। दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसके बाद जो है वो फर्दर सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सारे एंजाइम किसी न किसी सब्सट्रेट को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कहते हैं कि जब सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी तो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे आपने सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये रॉन्ग आंसर है। अच्छा, ये और ये थोड़ा बहुत मैच करते हैं कि सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर वो पॉइंट नहीं दिखाया हुआ कि जहाँ पर आकर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन अ रिएक्शन, ठीक है, विच कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाइज एक्स वाई एंड जेड। तो भैया, इस डायग्राम के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो है वो एक रिएक्शन हो रहा है। इधर हमारे पास ये सब्सट्रेट है, ये इसका एनर्जी लेवल है, और इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सब्सट्रेट जो है वो आगे जाकर यहाँ पर आकर कन्वर्ट होना शुरू हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास दो रिएक्शन जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक को इन्होंने एक्स लेबल किया है और एक को इन्होंने वाई लेबल किया है। जो एक्स है वो डॉटेड लाइन के ज़रिए दिखाया है, और जो वाई है वो डार्क लाइन के ज़रिए दिखाया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है इसको लेबल किया है एज जेड। और इन्होंने तीनों के बारे में पूछा है कि भाई वो कौन सी चीज़ किस चीज़ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ अगर आप एक्स को देखें तो एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अनकैटलाइज रिएक्शन को। हुआ क्या कि सब्सट्रेट को आपने एनर्जी देना शुरू की, ये एनर्जी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी देना शुरू की और इस पॉइंट के ऊपर आकर ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी यहाँ पर जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक और न्यू फॉर्म बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो इतनी एनर्जी जो है वो आपने दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एनर्जी है जो आपने दी। फॉर एग्जाम्पल ये 100 joules है, ठीक है, जबकि वाई के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपने एनर्जी देना शुरू की, लेकिन बहुत कम एनर्जी देने पर ही, तकरीबन हाफ एनर्जी देने के ऊपर ही, 50 joules सपोज़ कर लेते हैं, जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट पर आप पहुंच गए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो एक्स है वो एक अनकैटलाइज रिएक्शन है। तो इन दोनों में कैटलाइज दिया हुआ ये आंसर नहीं हो सकता, तो या तो सी है या डी है। और जो वाई है वो कैटलाइज रिएक्शन है, तो दोनों में कैटलाइज रिएक्शन दिया हुआ है।
अच्छा, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर आकर ये प्रोडक्ट जो है वो बन गया। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये जेड क्या है। तो देखिए, ये बेस लाइन एनर्जी थी, ये वाला जो पॉइंट है ये बेस लाइन एनर्जी थी, और अब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो इससे कम हो गया। इसका मतलब जो एनर्जी है वो लॉस हो गई, एनर्जी के अंदर चेंज आया है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एनर्जी गेन बाय द प्रोडक्ट, अगर गेन होती तो वो इस ग्राफ के ऊपर ऊपर की तरफ होती, नीचे की तरफ का मतलब ये है कि एनर्जी लॉस हुई है। तो ओवरऑल एनर्जी का जो चेंज आया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है जेड से। तो डी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम, एपोएंजाइम जो है ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनका प्रोटीन पार्ट होता है, एंड कोएंजाइम, कोएंजाइम ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन लेकिन ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? तो या तो इसमें कोएंजाइम लिखा होता है या फिर इसके अंदर हॉलो एंजाइम लिखा होगा। तो हॉलो एंजाइम जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो इनएक्टिव एंजाइम को भी हम कह सकते हैं, यानी अगर ये दोनों मिल गए हैं और अभी एक्टिविटी नहीं हो रही तब भी हम इसे कॉन्जुगेटेड कह सकते हैं, और जब वो फुली एक्टिव होते हैं अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर तब हम इसे हॉलो एंजाइम का नाम देते हैं। बात एक ही है कि जब दो चीज़ें, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिल जाए तब जो बनता है आपका वो कॉन्जुगेटेड या हॉलो एंजाइम होता है। नाउ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर, हमें बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो हर सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं होते, तो ये उनकी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, यानी उनकी जो सरफेस है, जो एक्टिव साइट है, वो जिस तरह से डिज़ाइन की गई होती है उसके ऊपर उसका जो शेप होता है और उसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिसाइड करती है कि एंजाइम जो है वो किस सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेगा। तो यही स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ एन एसेंशियल फीचर ऑफ कंपेरेटिव इनहिबिटर इज इट्स एबिलिटी टू, जो कंपेरेटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनका खास फीचर ये होता है कि भैया, अच्छा एसेंशियल फीचर क्या है? एसेंशियल फीचर का मतलब ये कि वो लाजमी फीचर क्या है जिसकी वजह से कोई इनहिबिटर कंपेटेटिव इनहिबिटर होता है। तो अगर कोई इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है उसे, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि उसे कंपेटेटिव इनहिबिटर बनाती है। चूँकि कंपेटेटिव इनहिबिटर आकर बैठते हैं किस साइट पर हैं, एक्टिव साइट के ऊपर, बाकी मॉडिफाई नहीं करते सब्सट्रेट को, ठीक है, कंबाइन विद प्रोस्टेटिक ग्रुप, ऐसा भी नहीं है प्रोस्टेटिक ग्रुप के साथ कंबाइन करें एन एक्टिवेट एन ऑपरेटर जीन, ये भी नहीं होता। They occupy an active site. The reaction rate of salivary amylase with starch decreases as the concentration of chloride ions is reduced. Now which of the following describes the role of chloride ions? तो भैया जो salivary amylase है वो starch को convert कर रहा है maltose के अंदर, ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि भाई अगर आप chloride ion की concentration कम करते जाएँ तो इसकी जो activity है वो reduce होने लगती है। तो chloride ion चूँकि एक inorganic component है तो वो coenzyme नहीं हो सकता। इनहिबिटर इसे हम तब कहते हैं जब इसकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये काम हो रहा होता। कंपेटेटिव इनहिबिटर तब कहते हैं जब ये उसी साइट पर आकर बैठता। तो ये को फैक्टर है, ये एक इनऑर्गेनिक आयन है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। नाउ हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो एंजाइम्स करते क्या हैं? तो हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं डिमांड, किस चीज़ की? एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू प्रेसाइज ओरिएंटेशन, इट्स नॉट इनफ, खाली ओरिएंटेशन में लाना जो है वो इनफ नहीं होता। सो इससे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं होगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, रैंडम कोलिजन बढ़ाने के लिए तो आप हीट एनर्जी भी सप्लाई कर सकते हैं, तो अगर ये इनफ होता तो फिर हीट एनर्जी काफ़ी होती, एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाय शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, दिस लुक्स लाइक द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंजाइम्स हीट तो सप्लाई नहीं करते। एंजाइम्स जो हैं वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है कि जिसके अंदर से हीट निकलेगी और एनर्जी जो है वो सप्लाई हो जाएगी। एंजाइम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अफेक्ट नहीं करते, लेकिन जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसका जो पॉइंट है वो शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रिएक्शन हो रहा है और एक घंटा लग रहा था, मान लें कि एक घंटा लग रहा था बिना एंजाइम के उसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, तो एंजाइम्स के बाद जो है वो शायद आधे घंटे के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। तो एंजाइम्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम की स्टेट तक पहुँच जाएँ, तो ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता। तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, हाउ डज, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, मैनी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट, तो भैया एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स तोड़ने वाले एंजाइम हैं मेनली, वो जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट किए जाते हैं, लाइक पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में सेक्रीट किया जाता है, और ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सेक्रीट किया जाता है। क्यों? ताकि जिस सेल के अंदर ये बनाए गए हैं उसी सेल की प्रोटीन्स को ना तोड़ दें, तो उनको बचाने के लिए जो है वो ये काम किया जाता है। ना एरिप्सिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एरिप्सिन जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स के ऊपर ही वर्क करता है। ये बेसिकली मेरे ख्याल में डाई पेप्टाइड्स को या पेप्टोन्स जो होते हैं उन्हें तोड़ता है, उन्हें अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है।
तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह पे वर्क नहीं करता बल्कि ये प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है। नाउ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, तो राइबोसोम्स बेसिकली आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता, खाली आरएनए होता है जो बिहेव कर रहा होता है एज एन एंजाइम, तो उन्हें हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। तो ये ओनली आरएनए होगा। दिस इज़ इट, ये एंजाइम्स वाले चैप्टर के जो है वो एमसीक्यूज़ से।